वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन, यस, एंड इज स्पॉन्सर्ड बाय ग्लैम गैस। और मजे मजे के खाने हमारे साथ होंगी। कौन आज हमारे साथ स्पेशली गेस्ट आई हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं और एंटरप्रेन्योर्स वुमेन भी कहलाती हैं, स्किल्स वुमेन भी कहलाती हैं, क्योंकि बहुत सारे काम करती हैं और खाना तो दबंग बनाती है। यहाँ पर रबिया खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक हो? आई एम फाइन। और रेसिपी का नाम क्या? चिकन वाइट कढ़ाई और तवा नान। चिकन वाइट कढ़ाई विथ तवा गार्लिक नान। तो पहले आपने गार्लिक भूल गई थी ना, इसलिए मैं भी भूली। लेट्स सी। अच्छा जी, हम लोग पहले हम इंग्रेडिएंट्स बता दें, उसके बाद फिर हम लोग आपसे जब ये थोड़ा जब भून होगा ना, गप्पे शप्पे भी लगेंगे। ठीक है जी, चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मेरी शहजादी जो है वो बताएगी इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। जी अच्छा, सबसे पहले चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको हम पैन में डालेंगे और इसको हम क्लेरिफाइड बटर या तो फिर घी में बनाएंगे। ऑयल में इसका टेस्ट थोड़ा सा इतना एनहेंस नहीं होता, क्योंकि वाइट चिकन कढ़ाई है तो उसमें सब हम क्रीमी सुपर ज्यादा जज्बाती है, तुमने देसी घी कर सकते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं है, तो देखा जाए तो देसी जो घी या मक्खन है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, लेकिन लोग उसकी हीक से क्यों घबराते हैं मुझे नहीं समझ। जैसे अंडे से लोग कुछ घबराते हैं। थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है बीइंग अ शेफ, मैं आपको भी हम बताने आई हूँ, क्योंकि उसको एक खास टेम्परेचर पे हम लोग पकाते हैं तो वो उसकी हीट गायब हो जाती है। लाइक अगर वो सेसमिन ऑयल है, अच्छा, सरसों का तेल है, उसको अगर सरसों का तेल तो मुझे मेरे घर में खाना है उससे पकता है, सच बताऊं बहुत अच्छा होता है वो यूज करना। अच्छा, मैं ज्यादातर जो बर्तन भी यूज करती हूँ, जैसे ये तवा है, कढ़ाई है लोहे की, और लकड़ी का चम्मच है, मैं इन चीजों का ज्यादा यूज करती हूँ। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ नॉन स्टिक पैन एंड सिल्वर, मैं नहीं पसंद करती, स्टील का बर्तन यूज करती हूँ। और जो कढ़ाई बड़ी कढ़ाई है उसमें खाना, या छोटी कढ़ाई वो छोटे उसमें आती है, लेकिन ये कि आप कोशिश करें, मैं ये नहीं करती। मिट्टी का बर्तन बहुत इस्तेमाल करती हूँ, मेरे घर में छोटी और बड़ी एक देचकी है जिसमें कभी यखनी पुलाव हो या कुछ हो। कोशिश किया करें आप लोग के जो बर्तन ऐसे इस्तेमाल करें जिसमें जो आपके लिए सेहत के लिए मुजर ना हो। लेट्स सी, हम लोग इंग्रेडिएंट्स की अपनी रेसिपी की जानकारी करते हैं। जी कितना है आपके? जी जी हाफ के जी 500 ग्राम बोनलेस चिकन है। सबसे पहले मैं पैन रखूंगी, पहले इंग्रेडिएंट्स बता दे चंदा, फिर उसके बाद रखें, रुक जाए इसको वहीं रखें। ओके श्योर, पहले हम सब बता दें इसमें क्या क्या डलेगा, फिर हम उसको पुट अप करेंगे। अच्छा, इसमें बोनलेस चिकन, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, और साथ से बताओ उठाओ नहीं कुछ चीज। अच्छा ओके, देखिए बोनलेस चिकन है ना मेरी, इसलिए सॉल्ट, और ये है घी, और व्हाइट डेसिकेटेड कोकोनट, दही, और ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश्ड है, सम लेमन जूस, और ये क्यूमिन फ्लेक्स और कोरिएंडर, धनिया, सूखा धनिया और सफेद जीरे को इन्होंने भून के क्रश कर लिया। यस, नेक्स्ट। इसको मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किया, ये डायरेक्टली है। ठीक, और इसमें क्रीम डलेगी, मेन इंग्रेडिएंट जो है व्हाइट कलर का। कुछ लोग जो है इसमें व्हाइट अनियन भी पेस्ट बना के ऐड करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ इंस्टेंटली काम कर रहे हैं, जब उससे हो जाएगा। और ये गार्निशिंग, और लहसुन, सम गार्लिक और जिंजर, एंड ये ग्रीन चिलीज। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग, अब रखते हैं इसके ऊपर। अच्छा, एक और चीज भी, जब तक ये गर्म हो रहा है मैं आपको एक और बात बताऊं, इन्होंने जो गार्लिक नान उसकी थोड़ी रेसिपी बता दो, इसमें क्या क्या। ठीक है, गार्लिक नान के लिए देखें मैंने दो अपना नीट कर लिया, क्योंकि शो में थोड़ा टाइम जरा हमें शॉर्टेज होती है। इसमें बस मैंने 1 कप व्हाइट फ्लावर लिया, थोड़ा मैदा नहीं, आटा, सिर्फ सिंपल व्हाइट सफेद आटा। हाँ हाँ, मैदा ले लें आप, वैसे तो व्हीट फ्लावर का भी बना सकती हैं आप। मैं इसलिए कि थोड़ा वैरायटी से पता चलता है कि किसी का दिल कर रहा है तो बना सकते। एग्जैक्टली, देखिए कुकिंग इज अ फ्यूजन, हम आपको बताएं, क्रिएशन में कहूंगी, कुकिंग इज अ क्रिएशन, यू आर योर ओन बॉस इन योर किचन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? तो इसमें मैदा, थोड़ी सी चीनी, सॉल्ट, और इसमें मैंने थोड़े से दही के साथ इसको नीट कर लिया। तेरी खैर, पानी नहीं डाला? नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। अच्छा। अगर आपको टाइम नहीं, थोड़ा सा जरूरत है तो ल्यूक वार्म आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। Good. और ऑयल लगा के इसको थोड़ा सा रेस्ट के लिए रख दिया। गुड, वेरी गुड। और ये इंस्टेंटली नान बन जाते हैं, बस इसमें हम सेसमिन सीड्स लगाएंगे और नाइजीरिया सीड थोड़े से स्प्रिंकल करके, और बस तवे पे। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको हम साइड पे रखते हैं क्योंकि थोड़ी देर इसको छोड़ना पड़ता है, और अगर ज्यादा आप घंटे छोड़ेंगे तो और अच्छा होगा। इसको वहां रख दें साइड पर, ताकि आपका हाथ या बर्तन जो डिस्टर्ब ना हो। यस, हम इसको वहाँ रख, अब बहुत हीट अप हो गया, इसको जरा स्लो करें फ्लेम को। यस, थैंक्स फॉर ग्लैम गैस स्पेशली, क्योंकि ये बर्तनों को काला नहीं करते और इसकी फ्लेम के अंदर हीटनेस बहुत है कि क्विकली, मैं जब भी नोट किए, चाहे हल्की सी फ्लेम पे भी रखेंगे आपका बर्तन फौरन हीट अप हो जाता है। सबसे पहले हमने कितना घी डाल दिया? घी डाल दिया। यस, और अभी ये घी गर्म हो ही रहा है, अब मैं ऐड कर दूंगी।
मुझे दे दें, यस आप मुझे दे दिया करें, आप जो भी बर्तन है नीचे ना रखें। बस इसको हम थोड़ा सा जब तक इसको वाइट कर रहे हैं, बस कलर दे रहे हैं, ये बहुत मिनट्स में रेडी हो जाती है। और इंग्रेडिएंट भी आपके सामने, अरे मैंने चिकन तो वैसे ही गल जाती है। और ये आप बीफ में भी बना सकते हैं। बीफ के लिए इसका प्रोसीजर ये होगा कि आप इसको थोड़ा सा बीफ को वो करके रख लें, बॉइल कर लें। ओके ठीक है, ये थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर रही हूँ। ओके लाइन और थोड़ा सा फ्लेम अप फास्ट कर दें। यस जी नाजी, इस वक्त रबिया खान शेफ मौजूद है। अच्छा रबिया, कब से आप कुकिंग में हो? देखिए मैं तो होम शेफ थी पहले 7 ईयर्स से, फिर जब मैंने देखा कि माशाल्लाह मैं तरक्की कर रही हूँ उस फील्ड में, तो फिर मैंने कोर्सेज भी किए, बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी विन किए माशाल्लाह से। आई हैव डन BBS कोर्स फ्रॉम डेक्सटर इंस्टीट्यूट। देखिए एज डजंट मैटर, अब मेरी एज है लेकिन मैंने अपनी लर्निंग स्टॉप नहीं की। ये तो आपने ये बात क्या की अभी, आपकी क्या है अभी तो ये सीक्रेट है बहुत बड़ा। नहीं नहीं ये बात यार कभी मैं, मुझे कल एक 5 साल पुरानी तस्वीर शेयर हुई, मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं उन्होंने भेजा, तो मैंने कहा मुझे 20 साल बाद भी देखेंगे तो आए हम सदाबहार। क्योंकि इंसान का जो है ना ये ना सोचे कि यार मैं, अरे क्या बात है यार, खुश रहा करें, कुछ नहीं होता। नहीं नहीं आए, जितनी अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है उसको शुक्र करके गुजारे और खुश दिली से गुजारे। आप क्यों फील करते हैं एज फैक्टर नॉट काउंटेबल? कहते हैं गिन जो काउंटिंग है नॉट काउंटेबल होती है। I am basically encouraging the good people who good are sitting idle at home. कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि बस एज को अपना मसला नहीं बनाएं, आप बस कर दे काम, आगे आगे काम करें, बढ़ बढ़ के आगे बढ़। सम जिंजर जूलियन कट बिल्कुल एंड सम ग्रीन चिलीज। यस हम ये ऐड करेंगे थोड़ी सी और जिंजर और थोड़ा सा वाटर ऐड करके, स्प्लैश ऐड करके। यस और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम हल्की आंच कर दें, स्टर करके। नहीं ये हाई फ्लेम पे ही रहेगा ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए, इसलिए आपने कहा। एग्जैक्टली देखिए वाइट तो हो गया चिकन, ठीक है। अच्छा हनी एक बात है, इसमें जो लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का जो फ्लेवर आएगा ना, अब जैसे यार यू कैन फील, बड़े अफसोस की बात है आपने मेरा पीने का पानी उठा लिया। हो मेरे खुद आया बेचारा, जो चीज़ें रख रहे होते हैं ना किचन की, तो कहता है बस आगे पीछे हो, आगे पीछे सदा मंदा हो जाता है, की करे बंदा। अच्छा ये ऐड करके थोड़ी सी देर के लिए, बस 1-2 मिनट, जस्ट ओनली 1-2 मिनट। मेरा शहजादा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी अब हम लोग थोड़ा सा गार्लिक नान की प्रिपरेशन कर लेते हैं व्हाइल दिस इज हैपनिंग। एक बार फिर मैं चाहूंगी कि साथ साथ आप ना जो इस रेसिपी का नाम और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक रिपीट भी कर दे। श्योर व्हाई नॉट, ठीक है ना जी। देखिए ये है वाइट चिकन कढ़ाई। सबसे पहले मैंने ऑयल घी डाला पैन में, फिर उसमें मैंने चिकन ऐड करा हाफ के जी, बस चिकन ऐड करके थोड़ा सा गार्लिक ऐड किया, जिंजर स्लाइस जूलियन कट में हमने जिंजर ऐड कर दी, ठीक है, और हरी मिर्च ऐड करके थोड़ा सा वाटर स्प्लैश करके इसको कवर कर दिया। जबरदस्त, बस 1-2 मिनट के लिए कवर करेंगे, जितनी देर हम दूसरा काम करेंगे वो। श्योर व्हाई नॉट। आपने ये नमक हसबे जायका डाला है कि जी? जी नमक मैंने ऐड किया है, डाला है। ओके अच्छा जी, बड़े मजे मजे के खाने घर में आप ट्राई किया करें, अपनी फैमिली अपने हस्बैंड अपने फादर को, ये बड़ा मज़ा आता है, मम्मा को इनके साथ शेयर कीजिए। और आने वाली मैं ख़ास तौर पे उन बच्चियों को, पहले कॉन्सेप्ट पता क्या था कि बेटा आपने आगे घर जाना है, ससुराल वालों को एंटरटेन करना है। लेकिन सब कुछ शादी के बाद ही सीखा है, अपनी मदर से बेचारे से कुछ कुकिंग नहीं सीखी उनको, सिर्फ सैल्यूट टू योर हस्बैंड। यस उनकी सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब आने वाली बच्चियों को जरा सा वही वर्ड्स चेंज करके कि बेटा आप जो है ऑनलाइन बिजनेस में भी लड़कियां आ रही हैं, जिन लोगों को बड़ा यार होते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव माइंड होते हैं, थोड़ा मैं ये कहूँगी कि होते हैं कुछ लोग ना, वो अपने बेटियों को बाहर निकलने का जरा सा इतनी परमिशन नहीं देते। हमारे यहाँ कुछ लोग माशाल्लाह से ब्रॉड फैमिली से ब्रॉड माइंडेड है, मेरी फैमिली में सब लोग शादी, वो लोग फिर उनके लिए बच्चियों के लिए ज्यादा बेहतर है कि वो कुछ बेहतरीन तरीके से जो है वो अपने स्किल्स को दो ही बनाते हैं, स्विंग कटिंग में भी और इसमें भी आ सकती हैं और ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हैं। जरूरी नहीं उनको फेस दिखाना जरूरी है, उनकी चीज उनका बिजनेस जो है वो डेवलप। आजकल स्कोप बहुत है ऑनलाइन बिजनेस का। और मैं बता दूं आपको, मैं शेफ भी हूं साथ साथ में एक सोशल वर्कर भी। माशाल्लाह से आई एम डूइंग माय वर्क इन 7 डिफरेंट डोमेन्स राइट नाउ। तो इसमें मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे भी काम कर रही हूं, यंग चेस पे कर रही हूं, बहुत सारे काम सारे। हनी इसको जरा सा जल्दी क्विकली, आई हैव जस्ट कुछ मिनट, यस हम चाहते हैं जल्दी से हो जाए ये काम पूरी। आप कर दो,
ओके वाओ, ऑयल निखर के बस इसमें आ गया है ऊपर। अब हम इसमें थोड़ी सी दही ऐड करेंगे। व्हाइट इसलिए कि इसके अंदर कोई भी रेड कलर की ना टमाटर ना इसमें लाल मिर्च, इसलिए व्हाइट कढ़ाई है तो ऑफकोर्स जो है इसके अंदर खटास के लिए भी जो है दही का इस्तेमाल हो। काली मिर्च ओ वैसे ही बड़े फायदेमंद है, नजर के लिए बहुत अच्छी होती है। यस, धनिया जीरा और धनिया रॉस को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया, ठीक है। अच्छा है, इसका फ्लेवर भी अच्छा तो फायदेमंद भी है। Exactly. और थोड़ा सा हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। अच्छा, ये ग्रेवी के लिए काम आता है? ग्रेवी जी, ग्रेवी में ना जब क्योंकि हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे तो क्रीम का थोड़ा सा टेक्सचर बहुत गुड, फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। डन हो गया जी, डन हो गया। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट सीक्रेट क्या यार, ये तो ओपन हो गया ना। हाँ, खोपड़ा बड़ा सीक्रेट रिवील करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। ये व्हाइट डेसिकेटेड कोकोनट है, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। बस इसके बाद हम इसको एक मिनट और कुक करेंगे। जस्ट ओनली वन मिनट। अच्छा, एक साथ आप देख रहे होंगे ये मेरा हर मैं लेडी में अपनी क्या अपने झंडा लगाऊं, आप लोगों के झंडे ये हैं कि आप लोग भी इसी तरह एट द मोमेंट एट द स्पॉट एट टाइम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि अपना नान भी साथ साथ हाथ चलाएं। खवातीन बड़ी होती है क्विकली ना, वाइट पेपर ये मल्टीटास्क कर रहा है, कुछ और हो रहा है। ओनली वुमेन कैन डू इट जी, हम खवातीन है ना, इसीलिए हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, औरत औरत की दुश्मन है। झूठ है ये सब, ये एक झूठ। मैंने पहले भी इनके शो में कुकिंग की है, सभी इज अ वेरी गुड होस्ट, ये बहुत कंफर्टेबल जोन में ले आती है, इसीलिए आई डिसाइडेड टू कम अगेन इन दिस शो। आई रियली एंजॉय दिस, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, इट्स योर शो, जब आप लोग आते हैं तो फिर आप लोगों का हो जाता है जी। अब ये हम इसमें वन कप क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसको बहुत ज्यादा कुक नहीं करेंगे। ओके, फिर वो फिर मजा कर वो जो हो जाता है वो फिर लाइक आप जैसे अक्सर मैंने देखा लोग खाना पकाए थोड़ा धनिया डालते फिर उसको स्टीम पर रखते, बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है, ये होता है। This is tip and this technique. अच्छा, आपने एक बात नोट की होगी, मैंने ब्लैक पेपर अभी तक ऐड नहीं की, वो ऐड में ऐड करूँगी। अच्छा, बिल्कुल नहीं डाला? नहीं, अभी तक नहीं डाली, बस मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड करा है, सॉल्ट ऐड करा है। एक दिन होगा मैं भी कुकिंग कर रही होंगी, यकीन आप करो। इतने शोज करके ले ली, आपको तो आ गई होगी। हाँ हाँ, वही तो कह रही, एक दिन होगा मैं भी बस यही काम शुरू कर दूंगी। अच्छी बातें करनी चाहिए सबको। नहीं, काफी हद तक मैंने आप लोगों से सीखा है, आप लोग सब मेरे टीचर हो गए। आप हमारी टीचर हैं। यस, ब्लैक पेपर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, बस इट्स रेडी। अच्छा, सॉल्ट इधर चेक लें, मेरे मुझे लग रहा है कम है, देखो ट्राई करो। मेरी अम्मी वाला तरीका से तो हमें चखने से और बहुत अजीब ही लगेगा यहाँ पर। आपने चखा था पहले भी, अच्छा तरीका चख ले दोबारा। ये हमारी वालदा क्या करती थी, ताकि हमें घर पर लोग डायरेक्ट यूँ करती थी। हाँ, सही, एग्जैक्ट सही है यार, सही है। चले मुबारक, अपने माँ बाप को नहीं भूलते, ये हमारी पहचान है भाई, सीधी सी बात है। अल्लाह उनकी बात करें, आज हम अपने पेरेंट्स की वजह से। यमी यमी यमी, बस इस टेस्ट को सिर्फ चखने के लिए, नमक को मैंने चखा है लेकिन और मजे का लगा। अच्छा जी, हम इसको उतार देंगे शहजादी? नहीं, प्लेट में डालेंगे, थोड़ा सा रख दिया है, डिश आउट करके इसको उतार देंगे। बस ये गार्लिक नान का मैं दे दूं, ठीक है, लुक दे दूं आपको बस। देख लीजिए नाज़रीन, मेरी प्यारी बहन जो है, आप इस साइड आ जाओ बुढ़िया। यस, ओके। अच्छा, गार्लिक नान के लिए मैंने आपको बताया था ना कि डो हमने ऑलरेडी नीट करके रख लिया था, इसमें बेकिंग सोडा और थोड़ा भी जी बेकिंग सोडा और क्या दूसरी क्या चीज होती है, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा वो ऐड करा है हमने, ताकि जरा सा ये फूल जाए या फ्लफी सा हो जाए मेरे सामने। अब हम इसको जरा छोटा छोटा सा ही बनाएंगे, ठीक है, वो वाली प्लेट पास कर देंगे। कौन सी वाली? सीड की, ये वाली जी, ये वाली। अच्छा, इन्होंने तो बड़ी यहाँ पर तिल और बस। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। ये इसके ऊपर कुछ गार्निशिंग के लिए जी हम प्लेट आउट करेंगे तो फिर ही ना जी मैं निकालूं किसी प्लेट, थोड़ी सी नाइजीरिया। अच्छा, पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। नाज़रीन ये देखें गौर से, मेरी प्यारी बहन जो है वो देखें क्या कर रही है। यस, इसमें थोड़ा सा ये ना देख लेना कि नाज़रीन को क्लियर नजर आ जाए कि ये
इसमें थोड़ा सा देखिए मैंने गार्लिक लगाया है और तिल लगाए हैं, कलौंजी, और ये थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया लगाया है। अच्छा, ये अक्सर मैंने तो उसके अंदर देखा है, वो छोटे छोटे जो शादियों में भी वो तंदूर नजर आते हैं और उसमें बड़े मजे के लगते हैं। इसको डिश आउट करना जी। बिस्मिल्लाह, हम ये तवा दे, इसको हम उल्टा करके रख के थोड़ा सा इसकी बैक में हम पानी लगाएंगे। पूरी प्लेट में रखना है या साइड पे नान रखना है? थोड़ा सा बस निकाल, छोड़ दो ना, थोड़ा सा छोड़ दो ताकि आपका जो है साइड पे नान भी लगा दीजिएगा तो दोनों चीजें जो है क्लियर नजर आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी। और ये साइड से टिश्यू पेपर से मैं क्लियर करती हूं, मैं करती हूं उसको, आप बस ये नान का कर दो। अच्छा जी, मैं इसको साइड पे करती हूं। फ्राई पर रुक जाए, बता दें। ओके, हम साइड पे हमने पानी लगाया है। ठीक है, और इसको वाह। अच्छा, बहुत हीट अप तो नहीं हुआ? देखिए फ्लेम को नहीं। ठीक है, बिल्कुल डन हो गया। आपको ऑयल की जरूरत है? ठीक है। हाँ, ये यार कसम से आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम लोग घर में काम करें, ये है वो है। आप क्या हूँ? अब वो एक तो मैंने बटर गार्लिक नान बनाया है और ये सिंपल एक नान बनाऊंगी। ठीक है, और इसके साथ ही ये बन जाएगा और इसके ऊपर हम नान रखेंगे और हमारी ये डिश ऑलमोस्ट रेडी है। जी जी, बस ये हो रहा है, अभी इसमें हमने पानी लगाया इसको। अच्छा, और ये पक गया है, बस इसको अब साइड पे और थोड़ा कितना क्विक बनाई जबरदस्त। ये थोड़ा सा हमने इसके ऊपर या बटर जो भी आपके पास अभी। वाओ जी, ये हो गई डिश, इज रेडी, डन। थोड़ा सा जूस लिया। चले जी, हो गया। थैंक यू सो मच। जी, आपने एक बार फिर मैं चाहूंगी इस डिश का नाम भी बताएं। व्हाइट चिकन कढ़ाई विद बटर गार्लिक नान। ओके जी, व्हाइट चिकन कढ़ाई एंड बटर गार्लिक नान। और ये घर में आप यू मस्ट बी ट्राई, क्योंकि ये हम लोग बड़ी प्यार से, मेहनत से, और कोशिश होती है कि घर में जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों उसी को यूज़ करके आप लोगों को ये डिश प्रेजेंट करें। एंड थैंक्स फॉर अगेन ग्लैम गैस। और जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं तो आप बोल दें, ठीक है, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जी, कुछ कहना चाह रही हैं? यही कहना चाह रही हूँ कि कुकिंग को मसला नहीं बनाएं। देखिए, आपके सामने लाइव हमने तैयार किए नान, आप इतनी मेहनत करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, करते हैं, देखिए कितने। और आपको पता है कि इसमें आपने क्या ऐड करा है? इतने हाइजीनिक तरीके से हमने इसको प्रिपेयर किया है। अभी मैं थोड़ा सा ओवर टाइम होता तो आपको प्रेजेंटेशन प्लेटिंग भी बताती, लेकिन बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कोई नहीं, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच एंड लव यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर लेंगे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। थैंक यू।